हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं i20 Elite। तो इसका हम कंप्लीट इंटीरियर ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं और सबसे मेन इसकी हमने सीट्स मॉडिफिकेशन करी है। सीट्स के अंदर हमने थाई सपोर्ट बनाया है और थोड़ा सीट को हमने ब्रॉड करा है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने किस टाइप की इसकी हमने पैडिंग करी है जिससे इसका कम्फर्ट लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए, और इसका आफ्टर रिजल्ट आपको पूरी वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे। Do watch full video till end। Welcome to Eminent Automotive। तो आज हम आपके सामने लेके आए एक i20 Elite। इसका हमने कंप्लीट इंटीरियर करा है, बहुत ही प्रीमियम कलर के अंदर करा है। अब हमको इसका इंटीरियर दिखाएंगे और इस समय रात का 3 बज रहे हैं और वन शॉट में ये वीडियो हम बनाएंगे, तो पूरी वीडियो एंड तक आप जरूर देखना, कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। अब हमको थोड़ा डिटेल में बताते हैं काम क्या क्या करा है। जो फर्स्ट हमने काम करा है इसका, ये लेदर रैप करा है डोर पैनल, ये पूरा विद स्टिचिंग के साथ दिया है। ऊपर भी स्टिचिंग की डिज़ाइनिंग दी है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और साथ में जो ये वाला पीस है ये हाइड्रो टेप हुआ है आपका ग्लॉस ब्लैक में। ये वाला पीस भी लेदर रैप हुआ है। ये सारा जो पहले होता है ये आपका बेज में होता है और इंटीरियर जो है इसका आपका ब्लैक और पोटैटो पिंक में होता है, जो कि हमने पूरा इसका ब्लैक और टैन में करा है। वेलकम टू Eminent। तो अब हम आपको डिटेल में बताएंगे गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हुआ है। डोर की हमने आपको बता दी है, हम आपको इंटीरियर की तरफ लेकर चलते हैं कि इंटीरियर में क्या काम हुआ है गाड़ी के अंदर। थोड़ा आगे की तरफ आओ। पहले ये हमने स्टेयरिंग रैप करा है आपका वही फिनिश के अंदर प्रॉपर स्टिचिंग के साथ, जैसे आप देख रहे हैं पूरा आपका एंड टू एंड फिटिंग के साथ है, जीरो फिटिंग है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है। साथ ही हमने इसका जो डैशबोर्ड है पूरा का पूरा हमने लेदर रैप पूरा करा है विद इधर स्टिचिंग के साथ दे रखा है नीचे, और साथ में इसके जो एसी वेंट है वो भी ग्लॉस ब्लैक में करे हुए हैं हमने, और पिलर्स भी इसके लेदर रैप हो रखे हैं। पिलर लेदर विद डबल स्टिचिंग के साथ हो रखे हैं एज पे, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है गाड़ी के अंदर। और सीट के की तरफ लेके चलते हैं, सीट के अंदर हमने क्या मॉडिफिकेशन करी है। सीट के अंदर हमने साथ में ये थाई सपोर्ट बनाया है, थोड़ी साइड से सीट एक्सटेंड करी है ताकि थोड़ी सीट की लुक थोड़ी बड़ी हो जाए और थोड़ी ब्रॉड हो जाए, कि i20 की सीट थोड़ी बड़ी है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसका डिज़ाइन बनाया गया, बिल्कुल नया डिज़ाइन है। स्टिचिंग की क्वालिटी साथ ही हमने इसके अंदर 70 मैट बिछाए हैं ब्लैक कलर के, और इसकी जो गियर नॉब और गियर बुक भी हमने पूरा इसका लेदर रैप करा है। ये पूरी टॉर्न हो गई थी, अब ये पूरे नए तरीके से इसकी बनाई है गियर नॉब, और हैंड ब्रेक भी इसके अंदर लेदर स्टिच हो रखी है, और बीच में आर्मरेस्ट के ऊपर हमने ये सब में कवर चढ़ाया है। और अब हम आपको रूफ की तरफ लेके चलते हैं, पहले हम आपको पिलर्स दिखाते हैं। पिलर्स में क्या, पिलर्स में ये एंड पे पूरी स्टिचिंग दे रखी है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम आपको रूफ की तरफ दिखाएंगे रूफ में क्या काम हुआ है। रूफ जो है वो कि ब्लैक वेलवेट के अंदर पूरी रैप हो रखी है, बीच में डायमंड का डिजाइन दिया है ताकि थोड़ा सीट से मैच हो जाए, और अब लुक तो आप देख ही रहे हैं ओवरऑल लुक बहुत ही सुंदर आई है गाड़ी की। अब हम आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। अब हम आपको थोड़ा इंटीरियर दूसरी तरफ से दिखाते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हुआ है। पहले हम आपको डैशबोर्ड की तरफ लेके चलते हैं। डैशबोर्ड जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है इस गाड़ी का, और बहुत ही इस गाड़ी के अंदर बहुत ही डिटेल में काम हुआ है, और पूरा एक दिन पूरा 24 घंटे का इसमें टाइम लगा है वर्क कंप्लीट करने में। ये पूरी आपका प्योर नापा लेदर है, नापा की प्रीमियम क्वालिटी आती है सिल्की नापा, उसमें बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है इसका विद डबल स्टिचिंग के साथ में H2H। स्टिचिंग जो है वो डैशबोर्ड के लेदर को एक प्रीमियम लुक देता है जैसे कि गाड़ी के अंदर देख रहे हैं। और पिलर्स की तरफ, इधर की तरफ पिलर्स दिखाओ, ये वाले पिलर्स, पिलर के एच पे ये डबल स्टिचिंग दी गई है जो कि बहुत ही एक सुंदर लग रहा है गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग रैप भी हो गया है। अब इधर से थोड़ा सीट्स का ओवरव्यू दिखाओ। जिन लोगों को थाई के यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए थाई सपोर्ट बनाया जाता है ताकि उन्हें आराम मिल सके और कंफर्ट भी रहता है लॉन्ग ड्राइव में। सीट्स भी ब्रॉड हो गई है, थोड़ा कंफर्ट भी रहता है इधर। अब रूफ की तरफ एक बार दोबारा दिखा दो। रुक दो पीछे ले। ये कार का बैक रो है जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे सेम आगे डिजाइन था वैसे ही पीछे हमने कंटिन्यू करा है। डोर पे भी वर्क करा है, सीट पे भी वर्क करा है। थोड़ा सीट का ओवरव्यू दिखा दो।
तो हम गाड़ी के अंदर है मिस्टर फैज के साथ। ये लखनऊ से आए थे गाड़ी का इंटीरियर करवाने के लिए, तो इन्होंने पूरी गाड़ी का इंटीरियर करवाया है नापा क्वालिटी के अंदर, और बहुत ही हमने इसका एक दिन के अंदर शायद हमने काम कंप्लीट कर दिया, एक दिन के अंदर। तो अब हम थोड़ा रिव्यू चेक करते हैं क्लाइंट का, इनको हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा और काम कैसा लगा, थोड़ा बताओ आपको ओवरऑल व्यू कैसा लगा हमारा। हेलो गाइस, आज मैं यहाँ पे हूँ एमिनेंट ऑटोमोटिव में, यहाँ पे अक्षय भाई हैं हमारे, इन्होंने मुझे एक दिन के अंदर गाड़ी कंप्लीट करके दी है। मैंने थोड़ा सा अपना इशू बताया था कि कल मुझे वापस लखनऊ निकलना है, तो इन्होंने मेरी परेशानी समझी और एक दिन के अंदर मुझे एक प्रीमियम क्वालिटी का एक जो काम होता है, क्वालिटी मतलब सिर्फ यहाँ पे मैटर करती है। यहाँ रात का अभी 3 बजा हुआ है, सब लोग पूरा स्टाफ है, अक्षय भाई खुद यहाँ पे 3 बजे तक मौजूद है मेरे साथ, और एक बढ़िया काम करके दिया है। एक जो सेटिस्फेक्शन होता है वो यहाँ पे मिलता है, अगर कस्टमर यहाँ पे आया है तो उसको सेटिस्फेक्शन अक्षय भाई देते हैं, ये अक्षय भाई का मोटिव है। और काम जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही चुके हैं, पूरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में अक्षय भाई की होगी, एक बार फिर से देख लीजिएगा, काम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। अब थोड़ी काम की डिटेल हम मिस्टर फैज के थ्रू लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम करवाया है और उनको क्या क्या उन्होंने डिटेल में थोड़ा बताया कि ये भी थोड़ा अपना। बेसिकली मैं यहाँ पे आया था तो मुझे सीट कवर का मैं बेसिक को करके आया था कि सीट कवर मुझे अच्छे लगवाने हैं और ये डैशबोर्ड पे थोड़ा काम कराना है, लेकिन अक्षय भाई ने जब मुझे बताया कि मुझे कलर कॉम्बिनेशन बताया और लेदर दिखाई, तो फिर मुझे समझ में आया। और जब उन्होंने एक मुझे डेमो देने के बाद पूरा काम कंप्लीट किया तो लिटरली मतलब ऑसम वर्क है। यहाँ पे इन्होंने हमारा जो डैशबोर्ड है इसको पूरा लेदर का किया हुआ है, स्टेयरिंग की हुई है, जो कि एक सबसे बहुत ही कम ही लोग इतनी सफाई से जो काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये गियर नॉब देख रहे होंगे, गियर नॉब पूरा, तो ये जो इन्होंने करा है इसमें तो मतलब काम की कोई वही नहीं है, और बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। बाकी यहाँ पे हैंड ब्रेक है, हैंड रेस्ट है, आपका थाई सपोर्ट भी। हाँ, थाई सपोर्ट मैंने बोला था, मुझे कुछ इश्यूज थे यहाँ पे कंफर्ट के, तो अक्षय भाई ने थाई के लिए बहुत ही अच्छा पूरा सपोर्ट यहाँ पे सीट्स में कर रखा है एक्सटर्नल इसको, बाकी सीट्स वगैरह पूरी की हैं। सबसे अच्छा है रूफ हमारा करके दिया है, रूफ मेरे पास टाइम कम था तो बाकी अक्षय भाई अगली बार इसमें लाइटिंग भी करेंगे जब मैं नेक्स्ट विजिट करूंगा दिल्ली की, और पूरा वेलवेट का अभी रूफ हमारा करके दिया है विद डिजाइन, डायमंड कट डिजाइन करके दिया है पूरी। और पिलर्स जो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाड़ी का, जो बाहर से बहुत अच्छा लुक देता है, पिलर्स सारे डबल स्टिचिंग के साथ लेदर फिनिश में पूरे पिलर दिए हैं सारे गाड़ी के, बहुत ही अच्छा वर्क है। आउट ऑफ 10 आप हमें कितनी रेटिंग दोगे? आउट ऑफ 10 आपको मैम 12 देंगे। 12 दो ऊपर ही दिया है मैंने, जबकि अक्षय भाई ने 10 बोला था खाली, तो 10 आउट ऑफ 10 है, ऑल 5 स्टार रेटिंग अक्षय भाई के लिए सर। चलो फिर अगली बार जरूर जल्दी मिलते हैं। जल्दी मिलेंगे, ठीक है। बाय।